अम्बपाली जी, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने आजमगढ़ में। हमने तो देखा था जब रथ यात्रा पे निकाली थी, उसमें मौजूद थे, और रात हो या दिन हो दोपहर आपका रथ लोगों का चले जा रहा था। जी बिल्कुल, और हमारा यही धर्म था। और दिनेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, 50% उनके लिए और आजमगढ़ में कमल खिलाना था हमको, आजमगढ़ की जनता के लिए, तो ये हमारा धर्म था। और हम सब, मैं चाहे मनोज तिवारी जी, चाहे रवि किशन जी, हम जितने आर्टिस्ट हैं, हम लोग सब लोग एक पैर पे खड़े थे आजमगढ़ के लिए, क्योंकि हमें आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सांसद चाहिए था। भाजपा के सपोर्टर पहले से हैं कि दिनेश लाल यादव की वजह से आप लोग भाजपा के सपोर्टर हुए? दुनिया का कोई भी बच्चा भाजपा का सपोर्टर मोदी जी की वजह से हुआ है, और उसमें योगी जी ने और आके चार चांद लगा दिया है हम लोगों के लिए। मैं गोरखपुर की निवासी हूँ, तो आप सोचिए कि मैं किसकी वजह से भाजपा की सपोर्टर होंगी। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अटैकिंग प्रचार कर रही थी दिनेश लाल यादव के लिए, ऐसा क्या है कि दिनेश लाल यादव के समर्थन में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उतर पड़ी थी? ये दिनेश लाल यादव जी का स्वभाव है, जो हम इतने साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, ये उनका व्यवहार है, ये रिश्ते उन्होंने बनाए इतने साल से लोगों के साथ, इतना प्यार सम्मान उन्होंने अपने को एक्टर्स को दिया है कि सब लोग उनके लिए खड़े थे। और वहां पे हर एक बच्चा पूर्वांचल का था, हर एक बच्चा पूर्वांचल का था, हर एक बच्चा चाहता था कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोग जो प्रचार कर रहे थे तो अपोजिशन की जो पार्टियां थी वो कह रहे थे ये सब नाचने गाने वाले नचनिया लोग हैं, प्रचार करने आए हैं, तो किस तरह से आप लोगों ने लिया था इस बयान को? हमने तभी ध्यान नहीं दिया था, पर लग रहा है कि हम नाचने गाने वाले लोगों ने उन्हें थोड़ा नाच नचाया है। सवाल, दिनेश लाल तो सांसद बन गए, आपका कोई रोल है बीजेपी में फ्यूचर में? आप बीजेपी ज्वाइन करके कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली हैं? मैं एक्टर बनने के लिए भी कभी कोई प्लानिंग मैंने की नहीं थी, मुझे भगवान के आशीर्वाद से मैंने एक ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट हो गई थी और मैं एक्टर बन गई थी। मैं कोई चीज प्लान करके ऐसे स्पेसिफिकली नहीं चलती हूँ, जब भगवान मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, मैं बस भगवान से ताकत मांग के वो जिम्मेदारी नेता बनने से इनकार नहीं। लेकिन नहीं है क्यों? मुख्यमंत्री जी से मिली, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत खुशी हुई। उन्होंने गोरखपुर के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इतना कुछ किया है, तो आप सोचिए हमको कितनी खुशी महसूस होती होगी, कितना गर्व महसूस होता होगा। तो महाराज जी से मिलके उनका आशीर्वाद मिल गया, आज बहुत खुशी हुई, सफल महसूस कर रही हूँ खुद को। वीडियो समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, आपको बता दें योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक जारी। इस वक्त